दीपक से, राग से, देशी, नट, कन्हरो, केदारो, कमोद आदि ये उत्पन्न हुए। प्रमोद, महाप्रेम प्रमोद, धनासरी, असावरी, मारू बहुर बसंत, श्री राग की रागनी, माल श्री है अंत, ये छह श्री राग से उत्पन्न। भोपाली और गुजरी, देशकार और मल्हार, बंक वियोगनी कामनी, मेघ राग की नार, मेघ राग से ये छह उत्पन्न हुई। इस छह राग से 36 रागनियां उत्पन्न हुई। अब रागों के गुण भी बोल रहे हैं साहब। मैंने अभी एक बात बोली, मैं किसी गायक को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राग को गाने के लिए एक विशेष चीज होती है, उसी लय में आदमी चलता है, वाणी कोई नॉर्मल नहीं है। क्या कह रहे हैं, भैरों के सुरसुरता गहे कोली चल धाय, राग भैरों में आदमी तेजी से गाता है, बड़े जोश में गाता है, जैसे ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में आसर लुटा जाएंगे, वो जोश उत्पन्न करता है। इसलिए जब सैनिक लड़ाई के लिए जाते हैं तो एक धुन बजती है, और यही नभेरी बजती है जब प्राचीन काल में, तब रोमांच हो जाता है शरीर में, लड़ने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। ये रागों के गुण है। मालकोस तब जानिए पाहन पिघले बाहर, राग मलकोस में पत्थर भी पिघलते हैं अगर कोई गाना जाए। ये मन तड़फत गुरुदर शन को आज, राग मलकोस में। इसलिए पुराने जो कवि थे, राग गीत लिखने वाले थे, वो इन तथ्यों को जानते थे। आज संगीत कला दब गई है। संगीत ऐसा है धड़ाम से, जैसे कोई शीशा फर्श पर टूटा और पागलों जैसा नाच गाना है। पहले ये सब लयबद्धता से और वेदानुकूल थे, इसलिए भारतीय संगीत लाजवाब था। अभी वो लुप्त होता जा रहा है डिस्को के आगे। चले हिंडोला आपते सुनत राग हिंडोल, हाँ कह रहे राग हिंडोल अगर गाए तो हिंडोला खुद चलने लगेगा। आपने देखा होगा बैजू बावरा में बैजनाथ ने तानसेन को हराया था, पत्थर को पिघल दिया था, वो राग मलकोस है। बरसे जल गंधार अति मेघराज के बोल, यानी उस समय पर ये कब कब गाना है, कौन सी ऋतु में गाना है, क्या समय है, आगे आएंगे इस पर। बरसे जल गंधार अति मेघराज के बोल, मेघराज गाने से अगर सही गा रहा है तो फिर बादल भी बरसेंगे। श्री राग के सुरसने सूखो वृक्ष हरा है, राग श्री गाने से सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा। दीपक दियो बर उठे जो कोई जाने गाए, दीपक राग गाने से दिया भी जल उठेगा। क्या बात है, हमारा नृत्य भी चाहे भारत नृत्यम है, कथकली है, ये सभी नृत्य भी इसी आदि शक्ति द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। आज भी दक्षिण भारत में कुछ मंदिरों में देवा उपासना के लिए कथकली आदि भारत नृत्यम ओडिसी ये नृत्य चलते हैं। अब कब गाना है राग, साहब कहते हैं पिछले पहर निस्समय भैरो राग बखान, राग भैरो पिछले पहर, रात के पिछले पहर। और मलकोस तब गाइए जब जब निकसे भान, राग मलकोस का गाना है सूर्य निकलते समय, और राग भैरो ब्रह्म मुहूर्त में। एक पहर जब दिन चढ़े करे राग हिंडोल, एक पहर दिन चढ़ चुका है तब राग हिंडोल गाना है, तब वो बनेगा। राग हिंडोल में आदमी सुनकर झूमेगा। ठीक दोपहरी के समय दीपक के सुर खोल, देखा बिल्कुल दोपहर के समय राग दीपक गाना है,
गर्मी भी है उस समय। श्री राग चौथे पैर जौलो दिन अर्थाय, राग श्री शाम के समय। मेघ राज तभी भलो जवे मेघ बरसाए, गीत मेघराज। जैसे देखियो, सावन का महीना पवन करे शोर, यानी मेघराज बरसात में गाया जाता है। फागुन में ये राग सब जागत आठों नाम, लेकिन फागुन के महीने में आठों पहर ये गाए जा सकते हैं। और जो हिंडोल आदि शीतल राग है, जब इंडा नाड़ी चले, जब पिंगला चलती है, उस समय आपके शरीर में तेज होता है, ये सूर्य नाड़ी है। तो गायक जो है वो पहले देखता है अभी मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। सुषुम्ना में सब चलेंगे, या तो सुषुम्ना खोलना आना चाहिए। बसंत ऋतु में निस्समय एक याम विश्राम भैरव राग शरद कुसुम शिशिर और हिंडोल बसंत दीपक ग्रीष्म हेम श्री मेघ सुभावस्वाद, यानी छह रागों का ये समय है, ये ऋतु है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, मोहे ब्रह्मा विष्णु महेशा नारद शारद और गणेशा। इस तरह रंभा रुचि आदि ने समस्त देवताओं को आधीन किया। शंकर जग में महा अवधूता काम जार हो रहा सपूता, शिव जी कहवा भूल गए अनुरागी काम व्रतन उठ उठ जागी। इस तरह आधीन हो गए सुरपति शंकाधिक मुनि जेते काम कला सब नाचे तेते। हाँ, क्या ये आलोचक है? नहीं नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न होए। देखत छवि मोहे सब झारी सुर समान माया गह मारी। वाह, यानी उनका रूप देखकर सब मोहित हो गए। साहब ने एक शब्द बड़ा प्यारा बोला, ये सम्मान है। पहले ये सब शक्तियां जब इनको दी तो ये सबको आधीन नहीं कर पाई, और विवश होकर के आई। राग रागनियों से भी जब मोहित नहीं हुई तब विवश होकर के आई तीनों कन्याएं। बोला देवता देवगण मोहित नहीं हुए, तब आदि शक्ति ने अपने अंदर से मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण ये शक्ति निकाली और उनमें समा दी। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता रहता हूं, छोटी मोटी नागनी सभी विष का रूप। आप ये मत कहना कि स्त्री सुंदर है या नहीं, नारी का नारी तो ही उसका सौंदर्य है, हम सब जानते हैं। जैसे मलमूत्र की इंद्रियां पुरुष में, वैसे नारी में भी है। जैसे हमारे हाथ पांव है वैसा उनके भी है, जैसे हमारी आंखें हैं उनकी भी है, जैसा हमारे मुंह है 32 दांत है उनको भी है। मैं तो कह रहा हूं नारी पुरुष में ज्ञानी लोग जानते कोई भेद नहीं है। जब कहा कि नारी पुरुष एक समान है, एक मनचले ने ब्रिटेन में कहा ये कहकर जिंदगी का मजा खत्म मत करो ये बोला ये कहकर जिंदगी का मजा मत खत्म करो। पुरुष के अवयव बाहर है अंडकोश शिशिरेंद्री, आप मानेंगे नारी के अवयव अंदर है ओवरी लेफ्ट एंड राइट ट्यूब। खैर छोड़िए, इस पर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, कई बार बोल चुका हूं मैं। फिर इसमें जैसे नौ द्वारे हमारे शरीर में प्रकट है उसको भी है, सभी से तो गंदगी निकलती है, मलमूत्र के द्वार से गंदगी निकलती है, मुख से सुबह देख लेना क्या निकलता है, नासिका से नाक निकलती है, बाजे लोगों के नाक से बहुत बदबू आती है,
नाक साफ नहीं कर पाते, आंखों से कीच आ जाती है, इस रूप में आएगी, कानों से खून निकलती है, रोम रोम से गंदगी निकलती है, फिर ये कैसा अट्रैक्शन है? वाह, ये अट्रैक्शन है सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण मरण, ये शक्ति है उसमें। मैंने एक बार सुनाया था एक गीत, शायद गीतकार जिसने ये गीत लिखा वो इतनी गहराई तक नहीं गया होगा, संभव है नहीं गया। मैंने जब ये सुना, बहुत पुराना गीत है, तो मैं इस गीत की सार्थकता और यथार्थता को समझा। क्या गीत था? इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। वाह, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। आदमी जब स्त्री को देखता है मोहित करता है, सीना टाइट करके चाल निराली चलता है, एक्टिंग से चलता है, तो फीमेल कह रही है खैर वो मैंने फिल्म देखी नहीं, बचपन में कुछ फिल्म देखी, 50 साल हुए फिल्म नहीं देखी, मैं सीरियल में भी कोई फिल्म लगातार नहीं देखी। कहा इशारों इशारों में दिल लेने वाले बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। अब लड़का क्या बोल रहा है? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। वाह, अब लोग हो सकते हैं एडिटिंग करके मेरी ये बात दर्शाएं, कहें जी ये फिल्मी दुनिया के गाना गा रहा है। चलो आजकल सोशल मीडिया के आगे तो नतमस्तक होना होगा, ठीक है, क्या तहलका मचा रखा है वो तिल का ताड़ और राई का पर्वत बनाते हैं सोशल मीडिया, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहां से, ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये शक्ति निगाह से चलती है, आंख से चलती है। इसलिए एक रंगहीन कुरूप स्त्री भी एक सुंदर पुरुष को आकर्षित कर सकती है इन चीजों से, लेकिन एक बहुत सुंदर पुरुष भी किसी रूपहीन नारी को उसकी इच्छा के बिना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, ये चीज है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? बुरा न मानना, साहब की वाणी है, नागिन के हैं दुई फन, नागिन के हैं दुई फन, नारी के फन 20 या का डसा न बच सके मारे विश्वास, दुश्मन मेरे दाव से, दुश्मन मारे दाव से हमारे आसी के। वो कबीर साहब ने कहीं छोड़ी नहीं है कोई बात भाई। कल कोई मुझे कहे आप क्या स्त्री को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मैं ये पोथी रख दूंगा, भैया इसमें लिखा है देखो पढ़ लो। एक बार मैंने एक शब्द कहा तो लोगों ने कहा देवताओं की निंदा कर रहे हो, मैंने कहा भैया कौन सी निंदा, वो कबीर साहब का एक दोहा है, देव चरित्र मैं कहतू सुनो धीर चितलाए, जाको कहिए ब्रह्मा सो पुत्री संजाए, देवपति जो श्रेष्ठ है जाको कहिए इंद्र, हरि जाए के अहल्या पड़े देह में छिद्र, कुंती कुआरी नारथी तभे कर्ण उपजाए, हरि जाए के चंद्रमा बृहस्पति की नर, गुरनारी से भोग क्यों पैदा हुए बुधवार। अजी ये तो कबीर साहब का दुआ है, और साहब ने जो कुछ कहा सच कहा, वो तो झूठ बोलने में असमर्थ थे। हाँ, जैसे लंगड़ा चलने में असमर्थ होता है, अंधा देखने में असमर्थ होता है, साहब झूठ बोलने में असमर्थ थे, इसलिए कह क्या रहे, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतो झूठे जगपति आई। तो ये जब तीनों ताकत दी तब सबको मोहित कर दिया। इसलिए आपकी माँ आपसे प्यार करती है पर नज़र में वो प्रेम उछेलती है, वासना नहीं। आपकी बेटी आपसे प्यार करती है, प्रेम भी है, लेकिन नज़र में उसके ये बाण नहीं आते उस समय, अपनापन है।
आपकी पुत्री भी आपसे प्यार करती है, लेकिन उसकी निगाह में यह चीज नहीं होती है, तब नहीं चलती है, तब ये बस माया है दो भांत की, जो कर जाने को एक मिला वे पीर से एक नर्क ले जाए। तो कह रहे हैं फिर देखत छवि मोहे सब जारी, सुर समान माया गए मारी, सकल देव जग ले अकुलाए, काउ न कर मंथिर न रहाई, किस कोई भी स्तर नहीं रह सका। फिर अब साहेब यहां वाणी में क्या कह रहे हैं पता है, एक शब्द साहेब का है, माया माठ अग्नि हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी, केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी, राम के सीता बन बैठी, कृष्ण के राधा रानी। मूरत में पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, बहुत बड़ा भजन है। एंड में क्या कह रहे हैं, चंडित मुंडित झूठ जटाधर और ठगे बैताली। अरे ये कौन है चंडित, कौन है मुंडित, कौन है झूठ जटाधर और बैताली। चंडित वो जो पूरे शरीर में चंदन लगाकर एकाग्र समाधि में जाते, बोला उनको भी निपटा दिया। मुंडित बस घुटम घोट बाल दाढ़ी सब उतार दिए, सन्यासी भेष धारण किया, उनको भी नहीं छोड़ा। अरे साहब क्या कह रहे हैं, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहब साहब। अरे योगेश्वर शिवजी आदि को भी माया ने भ्रमित कर दिया, बाकी किसकी बात करूं, कबीर साहब कुछ भी गलत बोला नहीं। तो कह रहे चंडित और मुंडित कौन, पूरा दाढ़ी मूछ ये भवे आदि सब उजाड़ देता है। एक सन्यासी कहता है मेरी में सेक्स नहीं है, मैं देखो, पर उनको भी झूठ जटाधर जो बड़ी बड़ी चटाएं लगाकर भभूत रमाए हुए हैं, और बैताली शमशान घाट में रहने वाले तांत्रिक नरमुंडे पहनने वाले जो कहते हैं नारी का मुंह नहीं देखना। तो साहब क्या करे, चंडित मुंडित झूठ जटाधर और ठगे बैताली, कहे कबीर कोई संत जोहरी, तिनके हाथ बिकानी, जहां नाम लगता है काम, सम्मोहन नहीं लगता है नाम की ताकत के बाद। मैं आपसे दावा करता हूं, नाम के बाद हो सकता है सुंदरता में आपका मन विचलित हो, अधीर नहीं हो सकते, वहां से खींच लोगे फिर मन को, आप मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी इकठम। वेद पुराण भागवत गीता पढ़ पढ़ गुण कर कालम जीता, तीनों गुण ईश्वर ठहराई, माया फंदा ताहे बनाई, कैसे ताहे हुए निस्तारा, जिन नहीं माना शब्द हमारा। राघवानंद नाम युग केरा, माया चरित कीनते है मेरा, तह द्वार का कीन उचारा, सकल जीव इम मार्ग पछाड़ा, अब अनसन का बाघू लेखा, धर्मदास चित करो विषय। बोला हे धर्मदास, इस तरह माया मार ठगने में जानी, नाम के बाद ये सब अधीन हो जाएंगे। अगर वो नाम का इतना इंश्योर दे रहे, भाई जिसके पास पारस आया सब धन तो आ गए ना, सखीरी में तो नाम रत्न नहीं पाए, ये सब इनको समेट देंगे। दे नाम सभी कोई जाना, नाम विदय विरला पहचाना, काया धर्म घर घर आए, काया नाम काल मिल पाए, ताते मोह ओछ कर जाना, आप में करे भगा। साहब कहा मुझे ओछा करके छोड़ दिया नहीं, दिल कह कहे कबीर कबीर पांच तत्ती तीन गुण तीरु, रच पंच धुन मात्र गह मारा, बिन सतगुरु नहीं होता। पांच नाम पांच गुण पकड़ करके रहे और बिना सतगुरु के पार नहीं। देखो साहब कह रहे पांच नाम ब्रह्म की रूपा, उसके आगे आगे नाम और अनुपा। नाम में बांध सूरत है भाई, बंद सूरत सूरत निरत में शब्द समाई, सूरत और निरत शब्द ठोर कर ठोरा, सो साधु होवे निज मोरा। सूरत निरत को जो समझता है और एक जगह करे, तो इस तरह से साहब ने नाम की महिमा कही। आज आपको मैं ये वृतांत बजाया राग रागनियों का, किस प्रकार से माया जीव को मोहती है। नाम में बहुत बड़ी ताकत है भाइयों बहनों, ये सुमरण छोड़ना नहीं, शरीर के विकास के लिए संतुलित भोजन की जरूरत है, आत्मा के कल्याण के लिए वैसे ही नाम की आवश्यकता है साहेब।